हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैट ऑनलाइन टेक्निकल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर के आइकन पर क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको फ्री टेक्नोलॉजी की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पावर ट्रांसमिशन का जो एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका जो ये टॉपिक है पुली ड्राइव, ये आपका जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग एक ही वीडियो में सब चीज़ें कवर करेंगे कि पुली क्या होती है, पुली के पार्ट्स क्या होते हैं, कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम टाइम मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है पावर पुली। सबसे पहले समझते हैं कि पुली होता क्या है। पुली हमारा क्या होता है, यह एक पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है जो सर्कुलर व्हील होता है तथा जिसके सेंटर में जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट के डायमीटर के बराबर का एक होल बनाया जाता है, होल या फिर बोर। हम लोग उसको उसका जो पावर जो होल होता है उसको हम लोग बोर के नाम से जानते हैं। हम लोग एक उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। जबकि हम लोग ने क्या पढ़ा है, लिखा है क्या है, एक पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है। पहला पॉइंट, ये कैसा डिवाइस है, पावर ट्रांसमिशन मतलब ये एक जगह से दूसरे डिवाइस में पावर को ट्रांसमिट करता है, मतलब पावर को ट्रांसफर करता है। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा जो सर्कुलर व्हील होता है, ये क्या है, एक तरह का व्हील होता है। ऐसा मानो ये आपका ये कैप है, ठीक, मानो आप इसको देखो, सिर्फ इस पार्ट को, ये जो आपका है ये एक सर्कुलर व्हील है, ठीक। जैसे आपने गाड़ी का पहिया देखा है ना, साइकिल का पहिया, आप साइकिल के पहिये को एग्जांपल में ले लो, ठीक है। तो आपका जैसे साइकिल का पहिया जो होता है उसी प्रकार का आपका ये पुली भी होता है। फिर हमारा सेकंड, जिसको हम लोग सर्कुलर बोलते हैं, सर्कुलर मतलब एक वृत्ताकार या फिर गोल, ठीक, गोल एक तरह का व्हील होता है, पहिया होता है जिसके सेंटर में शाफ्ट के डायमीटर के बराबर होल होता है, जिसके सेंटर से, मान लीजिए ये आपका सेंटर है, ठीक है, ये आपका जो सेंटर है उस सेंटर में, सेंटर के बीच में, जैसे आपका ये शाफ्ट है आपको इसमें डालना है, मान लो, ठीक है, ये आपका पुली, मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल ये पुली है, ठीक, इसमें आपको शाफ्ट को डालना है, तो इस शाफ्ट के बराबर का एक होल यहाँ पे होगा, इस सेंटर में ये आपका होल होगा जिसमें से शाफ्ट आपका आर पार हो सके, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुली बोलते हैं। पुली क्या होता है, एक तरह का पावर ट्रांसमिशन डिवाइस जिसका शेप एक तरह का सर्कुलर होता है, साथ ही में इसके सेंटर में एक होल बनाया जाता है जिसमें से जिसका साइज शाफ्ट के डायमीटर के बराबर होता है, जिसमें से शाफ्ट आपका आर पार हो सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो पुली होता है वो बना किससे होता है। जैसे हमारा जो पुली, तो मैक्सिमम पुलीज जो होते हैं, जितने भी हमारे पुली होते हैं किससे बने होते हैं, मैक्सिमम हमारे कास्ट आयरन से बने होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जैसे कोई इमरजेंसी हो गया, कहीं पे कास्ट आयरन का यूज़ नहीं करते, उस जगह पे क्या यूज़ होता है, उस जगह पे माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम और लकड़ी की पुली का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम और वुड, इतनी चीज़ों से आपकी पुली बनाई जाती है, लेकिन मेनली किससे बनाई जाती है, कास्ट आयरन से। फिर अब देखिए, हमने एक डायग्राम बनाया, डायग्राम से समझते हैं। मैंने आपको बताया कि आपकी जो पुली होती है, पुली आपकी एक तरह का सर्कुलर व्हील होता है। ये क्या है, ये देखिए, सर्कुलर एक सर्कल बना हुआ है, कहाँ का, ठीक है, एक सर्कल बना हुआ है, साथ ही में ये आपकी जो, ये जो है आपका जो रॉड दिख रही है, ये आपकी सिलेंड्रिकल शाफ्ट होती है। शाफ्ट हमेशा आपकी सिलेंड्रिकल होती है, जैसे यह आपका मार्कर है, यह क्या एक सिलेंड्रिकल शेप में है ना, वैसे आपकी जो शाफ्ट होती है वो भी एक तरह का सिलेंड्रिकल शेप में होती है। साथ ही में इसके ऊपर यहाँ से आपकी एक बेल्ट लगी होती है या फिर कोई और चैन लगा दी गई, बेल्ट लगा दी गई, जिससे आपका पावर ट्रांसमिशन होता है पुली में। अब पुली के आपके कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो पहले समझा ना, एक शाफ्ट पे एक गोल पहिया लगा होता है जिससे आपका पावर ट्रांसमिशन होता है। फिर हमारे एक पुली के कई पार्ट्स होते हैं,
जैसे हमारी बॉडी के कई सारे पार्ट होते हैं, फिंगर, लेग, माउथ, लिप्स और आईज, नोज, जितने पार्ट होते हैं इसी तरह से आपकी पुली के भी पार्ट होता है। उस हर पार्ट का अलग अलग काम होता है। जैसे कि हमारा फेस, सबसे पहले क्या होता है, फेस होता है, फिर आपका हब या फिर बॉस, हब को बॉस भी कहते हैं, ठीक है। फिर थर्ड आपका बोल, बोल के बाद आपका आता है आर्म, आर्म के बाद आपको थ्री वेज और फिर शोल्डर। आपके मेनली सिक्स पार्ट्स होते हैं पुली के, ठीक है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं, एक बड़ा सा डायग्राम बना के आपको मैं आपको यहाँ पे दिखाते कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, किस पार्ट का क्या काम होता है, ठीक है। तो बने रहेगा, लेकिन वीडियो को आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो था पार्ट्स ऑफ पुली, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि पुली के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट का क्या काम होता है और कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा देखिए डायग्राम बना हुआ, अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक इमेज भी दिख रही होगी, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। ये रफली एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है कि पहले मैंने लिखा है फेस। फेस क्या है, फेस लिखा है, यह बीच में उभरा तथा साइड में थोड़ा झुका हुआ भाग होता है। जैसे मानिए यह है आपकी पुली, जैसे मान लीजिए आपकी पुली है, ठीक। ये बीच में उभरा, ऐसे मान, जब ऐसे करोगे तो एक कोन शेप में बनेगा कि नहीं बनेगा, आप देख सकते हो कि नहीं, ये क्या कोन शेप में बन जाए। तो बीच में उभरा होता है और साइड साइड में झुका हुआ, जैसे आपका हाथ ऐसे करोगे तो बीच में उभरा, साइड में झुका हुआ है, ठीक उसी प्रकार आपकी जो पुली होती है, पुली भी आपकी ठीक इसी प्रकार इसी तरह से होती है, बीच का उभरा भाग होता है और साइड साइड का झुका हुआ। इसी को हम लोग क्या, इस पुली को हम लोग क्या कहते हैं, फेस बोलते हैं, जिसके ऊपर बेल्ट या फिर चैन को लगाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिम। रिम क्या होता है, रिम का पहले डेफिनेशन देख लो। फेस के उभरे हुए भाग को रिम तथा क्रोमिंग कहते हैं, रिम या फिर क्रोमिंग कहते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर जैसे आपने ऐसे, जैसे आपकी ये मान लीजिए पुली है, आपका ये उभरा भाग है, ठीक, जिसके ऊपर आपके बेल्ट को लगाया जाता है, जिसके ऊपर बेल्ट लगी होती जिस पार्ट पे, उसी को हम लोग रिम बोलते हैं या फिर उसको हम लोग क्रोविंग भी बोलते हैं, ठीक है। क्रोविंग या फिर रिम, इसी जो उभरा भाग होता है फेस के बीच का, जो उभरा भाग होता है जिसके ऊपर हमारी बेल्ट लगी होती है, उसी को हम लोग रिम या फिर क्रोविंग बोलते हैं। फिर हमारा देखते हैं हमारा हब या फिर बॉस। हब क्या होता है, आपने ये आपका मान लीजिए उसका पुली का सेंटर था, ठीक, ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है, दिख रहा है आपको। सेंटर होने के बाद आपकी शाफ्ट जिसमें आएगी, ठीक, शाफ्ट जिसमें आ रही जा रही, यही आपका जो सर्कल है, जो बो जो आपका सर्कल बना हुआ है जिसके अंदर शाफ्ट आपकी जाती है, इसी को हम लोग हब बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी ऊपर देख लेते हैं, वह भाग जिसमें शाफ्ट को लगाया जाता है उसे हब या फिर बॉस कहते हैं। वह भाग पुली का वह भाग, ना कि वह भाग, पुली का वह हिस्सा या फिर वह भाग जिसमें आपके शाफ्ट को लगाया जाता है, जैसे हब है या आपके शाफ्ट इसमें ये लगाई जा रही है, ठीक, ये आपकी क्या है, हब है, इसी को हम लोग हब बोलते हैं, ठीक। ये आपकी थ्री टाइप्स की होती है। थ्री टाइप्स की कौन सी, पहली होती है, पहली सॉलिड होती है, सॉलिड हब, सेकंड होती है स्लॉटेड हब, फिर थर्ड होती है स्प्लिटेड हब। सॉलिड हब क्या, कौन सा होता है, इसमें से कोई एक फिक्स शेप, जो एक फिक्स शेप का होता है उसी को आप एंटर कर सकते हो, वही आप उस शाफ्ट लगा सकते हो। लेकिन स्लॉटेड में क्या होता है, जैसे कोई भी इररेगुलर शेप, ठीक, इररेगुलर शेप जिसके कोई भी एक टेढ़ा मेढ़ा आकृति का कोई भी, जिसके कोई फिक्स शेप ना हो, फिक्स आकार ना हो, वो आपका इररेगुलर शेप होता है। वाली अगर उस शेप के अगर शाफ्ट है आपकी, ठीक, तो आप इसमें लगा सकते हो। दूसरी चीज, इसमें साइड में जो होता है नट लगे होते हैं जिससे आप उसको फिक्स कर सकते हो, लूज कर सकते हो। उसी प्रकार स्प्लिटर होता है, स्प्लिटर में भी आप हर साइज के, किसी भी साइज के, मतलब छोटा भी हो उसको भी लगा सकते हो, बड़ा हो तो उसको भी आप फिक्स कर सकते हो। इसमें भी आपका फिक्स करने के लिए नट बोल्ट लगे होते हैं।
आई होप आपको हब तक समझ में आया होगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो हब के बाद हम लोग देखते हैं बोर। बोर क्या होता है? हब के बीच का वह खाली हिस्सा जिसमें शाफ्ट आपका जाता है, जिसमें जो हिस्से में शाफ्ट आपका लगता है, ठीक। हब के बीच का वो खाली हिस्सा जिसमें शाफ्ट आपका प्रवेश करता है फिर जाता है, जिसमें उसी को हम लोग बोर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपके इसमें बीच में खाली हिस्सा है ना, खोखला भाग, इसको भी बोल सकते हैं खोखला भाग जो है उसमें आपका शाफ्ट जा रहा है ना, ये आपका जो शाफ्ट का बोर हो सॉरी ये जो आपका हब का बोर होता है वो शाफ्ट के डायमीटर के बराबर बनाया जाता है। लिखा भी हुआ है मैंने शायद, देखिए। दूसरा काम क्या होता है, पुली और शाफ्ट को फिक्स रखता है, ठीक। जैसे आपके मान लीजिए ये पुली है और ये आपका शाफ्ट है, इसको फिक्स करने का काम क्या करता है? बोर। कनेक्ट करने का काम आपका करता है हब, लेकिन अगर आपको उसको फिक्स करना है, फिक्स कहाँ से होता है? हब से होता है, सॉरी फिक्स आपका बोर से होता है। फिर आता है आर्म। आर्म को आप इस तरह समझ सकते हो, आप लोगों ने साइकिल चलाई, मान साइकिल सब लोगों ने देखी, उसने देखा होगा जहाँ से आपकी चैन लगी होती है, देखा है ना। चैन लगे होने के बाद आपकी इसमें इस तरह की तीलियाँ बनी होती हैं, इस तरह की तीलियाँ बनी होती हैं, लगी होती है ना, ठीक। तो इसी तीलियों को हम लोग आर्म कहते हैं, ठीक है। इन जो ये जो तीलियाँ बनी होती हैं इसी को हम लोग आर्म कहते हैं। आप लोगों ने डायग्राम में भी देखा होगा, देख रहे हैं आप कि ये आपका एक पुली है, ठीक। पुली में बीच में आपका ये आपका क्या हो गया? हब हो गया, ये आपका बोर हो गया, और ये जो हिस्सा है आपका ये पार्ट जो है वो आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका आर्म है। आप इसमें भी देख रहे होंगे कि जो ब्लू हिस्सा है ये आपका उभरा हुआ पार्ट, मैंने कहा था जिसमें आपका उभरा हिस्सा होता है, ये आपका उभरा हुआ हिस्सा है, ये आपका मतलब हल्का सा फैला हुआ या फिर हल्का झुका हुआ हिस्सा आपका पूरा ये फेस होता है, ठीक। फिर ये आपके आर्म हो गए, ये आपका हब है, ये आपकी बोर है, और साथ में आर्म तक आपको समझ में आया होगा। आर्म का काम क्या होता है? ये पुली रिम और हब को कंबाइंड वर्क करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है? पुली और हब को, ये आपकी पूरी पुली है, ठीक, ये आपका हब है, ठीक। ये जब मूव कर रहा हो इसका काम आर्म का क्या होता है? ये आर्म पुली और आर्म का फेस के बीच में एक जॉइंट का काम करता है, ठीक। आर्म का काम क्या होता है? एक हब और पुली का जो फेस होता है उससे जॉइंट होता है। जैसे ही हब आपको मूव करता है वैसे आपकी पुली जो पूरी पुली है वो आपकी पूरी वर्क करने लगती है, मतलब कॉम्बिनेशन वर्क स्टार्ट होता है दोनों में, ठीक है। फिर आपका आता है कीवे। कीवे का काम क्या होता है पहले देखते हैं। आपका ये जो हब होता है, ठीक, हब के साइड में ही आपका ये कीवे बना होता है, ठीक, ये आपका कीवे बना होता है। कीवे का काम क्या होता है? एक छोटा सा स्लॉट बना होता है जो आपका शाफ्ट और पुली को एक ही एक्सिस में घूमने में हेल्प करता है। जैसे एक ही अक्ष पे, जैसे मान लीजिए आपकी शाफ्ट इस तरह से घूम रही है, ठीक, आपकी पुली भी इसी के ऊपर लगी रहती है ना, तो पुली भी आपकी जैसे आपका शाफ्ट घूमेगा उसी के डायरेक्शन में आपकी पुली भी घूमने लगेगी, ठीक है। मतलब साथ ही साथ में घूमेगी, एक ही डायरेक्शन में घूमेगी, ठीक, एक ही अक्ष पे घूमेगी। आई होप आपको एक ही अक्ष पे घूमेगी, आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। अब एक पॉइंट और है, शोल्डर। शोल्डर पर ध्यान रखिए आप क्या होता है। जैसे ये आपका रिम है, रिम के साइड का जो झुका एरिया होता है जो बेल्ट को स्लिप होने से रोकता है, बेल्ट को स्लिप होने से रोकता कौन है? शोल्डर। और बेल्ट लगाई कहाँ पे जाती है? रिम के ऊपर। तो बेल्ट को रोकने का जो काम करता है वो आपका क्या कहलाता है? शोल्डर। आई होप आपको इतना पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अब हम लोग
क्या करेंगे, एक एक करके एक एक टाइप्स के बारे में समझेंगे कि हर टाइप क्या, कौन कितने टाइप्स की आपकी पुली होती है, कितने टाइप की जो पुली होती है किस तरह की काम करती है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा। लेकिन इतनी मेहनत से मैंने वीडियो को बनाया, तो एक बार इसको लाइक और जरूर कर दीजिए और उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिसको इस टॉपिक में, एक इजी से टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है।